मतगणना के रुझानों में एनडीए इंडिया में कड़ी टक्कर। कांग्रेस नेता राज बब्बर का फाइनल रिजल्ट पर बड़ा बयान। कंगना रनौत और वृंदा करात ने भी कर दिया कैसा दावा। लोकसभा चुनाव की काउंटिंग जारी है, मतगणना के रुझानों को देखते हुए ये कहा जा रहा है कि इस बार इंडिया गठबंधन ने एनडीए को कांटे की टक्कर दे दी है। हालांकि रुझानों में एनडीए को बहुमत मिलता दिख रहा है, वहीं इंडिया गठबंधन भी 225 सीटों पर बढ़त बना चुकी है। वहीं मतगणना के रुझानों को देखते हुए एनडीए और इंडिया गठबंधन के नेता अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इसी बीच गुरुग्राम लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार राज बब्बर ने बड़ा बयान दे दिया है। राज बब्बर का ये बयान मतगणना के रुझानों पर नहीं बल्कि फाइनल रिजल्ट को लेकर आया है। चलिए सुनते हैं राज बब्बर ने क्या कुछ कहा। रूप से चल रही है, कहेंगे एक आध मशीन जो खराब है वो अधिकारियों को बता दिया है, प्रशासन को बहुत तरतीब से तमाम चीजों को देख रहे हैं और बस यही है कि जनता का फैसला है, शाम तक आ जाएगा। जो भी आगे चल रहे हैं गुड़गांवा क्षेत्र की जनता आगे चल रही है। वही हिमाचल प्रदेश में कंगना रनौत विक्रमादित्य सिंह को कड़ी टक्कर देती दिख रही है। खबर अपलोड किए जाने तक कंगना रनौत मंडी लोकसभा सीट से आगे चल रही हैं। कंगना ने अपनी जीत का भरोसा जताते हुए कांग्रेस पर करारा वार किया है। इतना ही नहीं, सीपीआईएम की सीनियर लीडर वृंदा करात ने तो एग्जिट पोल रिजल्ट वालों की जमकर क्लास लगा दी है। खैर वो तो अब जिस इस तरह की जो है वो ओछी बातें करने का उनको खामियाजा भी भुगतना ही पड़ेगा। किसी महिला के बारे में इस तरह की ओछी बातें करना तो वो तो आज साफ हो रहा है। जिस तरह से हमें लीड मिली है, भारतीय जनता पार्टी को जो लीड मिली है मंडी क्षेत्र से, तो बेटियों का ये अपमान जो है वो बहुत अच्छे तरीके से लिया नहीं है मंडी की जनता ने। और जहां तक मेरे मुंबई जाने का सवाल है, खैर मेरी तो ये जन्मभूमि है और मैं यहां लोगों की सेवा में तत्पर रहूंगी। और जिस तरह से मोदी जी का सपना है सबका साथ सबका विकास है, उसमें मैंने हमेशा से कहा उनकी सेना बनकर काम करूंगी। तो आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, और हो सकता है किसी और को अपने बस्ते अब पैक करके है वो कहीं जाना पड़े, लेकिन आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर। नहीं, अभी तो वो रेस की शुरुआती दौर पे है। शुरुआती दौर में इंडिया ब्लॉक का बहुत ही अच्छा अभी परफॉर्मेंस है, लेकिन जैसे मैंने कहा अब तो शुरुआती है। अभी ईवीएम्स खुल रहे हैं, अभी तक पोस्टल वोट्स थे, अभी ईवीएम्स खुल रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप पर जो एग्जिट पोल्स और जो पहले जो पूरा तस्वीर बताया गया वो 100% फेल हो रहे हैं। मतगणना के शुरुआती रुझानों के बाद अब ये बात तो वाकई में साबित हो गई है कि एग्जिट पोल के रिजल्ट हमेशा से शक के दायरे में रहते हैं। इस बार भी इसका वही हाल हुआ। एक आध एजेंसीज को छोड़ दें तो तकरीबन सभी मीडिया हाउसेज ने एनडीए को 400 के पार या फिर 350 से ऊपर का आंकड़ा दिखाया था, जो कि अब गलत साबित होता दिख रहा है। हालांकि अभी लोकसभा चुनाव के फाइनल रिजल्ट को लेकर कुछ भी कह देना जरा जल्दबाजी होगी, इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार जरूर करना चाहिए। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।